हेलो एवरीवन मैं सोनाली आज फिर से एक वीडियो लेके आ रही हूँ द बर्निंग टॉपिक नीट कट ऑफ 2024 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सेफ मार्क्स हैं एमबीबीएस बी एडमिशन्स लेने के लिए इन इंडिया एज वेल एज़ अब्रॉड आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में अब बहुत सारे सवाल होंगे बहुत सारे डाउट्स होंगे कि अब अगर मुझे एडमिशन लेना है इंडिया में भले ही वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो मैं कैसे लूँ और मैं किस स्कोर में वो एडमिशन्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ सो वी बिगिन हम यही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं सो so अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी के लिए 600 प्लस मार्क्स मैंडेटरी हैं एक रेप्यूटेड सीट के लिए फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की ओबीसी कैटेगरी के लिए थोड़ा सा रिलीफ है 20 मार्क्स का 580 से ज्यादा मार्क्स इज रिक्वायर्ड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप एमबीबीएस की सीट भले ही वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो अगर आप वो एम कर रहे हो फाइव प्लस इज मैंडेट्री तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ स्कोर्स वाइज आप अपना एम का करियर किस तरीके से और किस कंट्री में शेप अप कर सकते हो सो फर्स्ट थिंग अगर आपके स्कोर 650 से ऊपर हैं तो आप टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि एम्स एम ए एम सी के जी एम यू इनको आप टारगेट कर सकते हो आप एम कर सकते हो सेकेंड थिंग जिनके स्कोर 600 हंड्रेड टू सिक्स हैं वो भी कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एम कर सकते हैं बट वॉट अबाउट पीपल जिनका 500 या 500 से कम आया है सो वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स लाइक यू टू स्टडी इन रशिया ना वॉट अबाउट द स्टूडेंट्स जिनका फाइव हंड्रेड से नीचे स्कोर आया है क्या आपने मेहनत नहीं करी क्या आपने अपने पूरे एक दो साल नहीं दिए प्रिपरेशन में नीट की क्या आपका एम बी बी एस करियर अभी स्टार्ट नहीं हो सकता दिस इज़ ऑल रॉन्ग सो आई विल सजेस्ट यू सम गुड कंट्रीज जहाँ पर आप एम बी बी एस करियर विदाउट यू नो हैविंग अ गैप आप स्टार्ट कर सकते हैं सो अब आपने नीट क्लियर किया है राइट सो यू डेफिनेटली डिजर्व टू बी अ डॉक्टर डोंट यू आई एम आई एम श्योर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिन रात चल ही रहा होगा बींग अ स्टूडेंट बींग अ पेरेंट एज वेल सो हेयर वी कम अप विद सम ऑप्शन फॉर यू विच आर वेरी वेरी यू नो वाइटल एट द सेम टाइम दे गिव यू अम बी बी एस एजुकेशन एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट सो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स के 500 से नीचे नीट में मार्क्स आए हैं उनके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है टू परस्यू देयर करियर इन एम बी बी एस दैट इज स्टडी अब्रॉड सो स्टडी अब्रॉड के दो रीजनस हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं फर्स्ट इज द नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे सीट्स बहुत लिमिटेड हैं स्टूडेंट्स के लिए टू परस्यू एम बी बी एस इन इंडिया एंड कॉस्ट क्या पूरे छः साल की पढ़ाई का पूरी फीस इंक्लूडिंग एवरी थिंग कॉस्ट इज़ अ लिटिल हायर

कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया आर चूजिंग रशिया एज़ अ कंट्री टू परस्यू देयर एम बी बी एस डिग्री वाई आप भी सोचोगे कि क्यों रशिया में ऐसा क्या है रशिया में 45 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एम बी बी एस की एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं फ्रॉम लास्ट थर्टी प्लस ईयर्स एट द सेम टाइम रशिया एक ऐसी वेलकमिंग कंट्री है जो इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इन एजुकेशन प्लस इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी आप सबको पता ही होगा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इट प्रोवाइड्स एम बी बी एस एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट एंड विद अ लॉट एंड लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपोजर विद रोबोटिक्स एज वेल सो इसी से रिलेटेड मैं एक और अवेयरनेस क्रिएट करूंगी कि आप कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी स्पेशली स्टडी अब्रॉड में अगर चूज कर रहे हो सो so, दो रेकोगशन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फर्स्ट इज Medical Council of India, which is named as MCI, and second is National Medical Council, which is NMC. So, कोई भी university अगर आप abroad में choose कर रहे हो, make sure कि वो इनकी सारी guidelines follow करें. At the same time, उस procedure से ही आपको पढ़ाएं पूरे 6 साल. So, मैं खुद से आपको कुछ university suggest करना चाहूँगी, which are top universities in Russia. Starting with Orenburg State Medical University, second Perm State Medical University. थर्ड मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फोर्थ पस्कॉफ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड एट द लास्ट ट्वेट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मैं आपको ये यूनिवर्सिटी इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इनका एफ एम जी ई पासिंग परसेंटेज फर्स्ट अटैम्प्ट में अप टू एटी परसेंटेज है एफ एम जी ई अल्टीमेटली आपका गोल है कि आप इंडिया आके ये एग्ज़ाम लिखोगे ही लिखोगे जब तक आप ये एग्जाम क्लियर नहीं करोगे बीट फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट तब तक आप एक लाइसेंस टू बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया एंड टू वर्क और टू यू नो ओपन अ हॉस्पिटल टू ओपन अ क्लिनिक जो भी आपका एक गोल रहेगा एक प्रोफेशनल करियर की यू नो जर्नी स्टार्ट करने के लिए तब तक आप नहीं कर पाएंगे सो दीज यूनिवर्सिटीज़ आर रिनाउंड फॉर देयर एफ एम जी ई पासिंग परसेंटेजेस इसीलिए मैं आपको ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर रही हूँ टू स्टडी एम बी बी एस इन रशिया आई एम श्योर इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं कोई क्वेरीज हैं प्लीज़ अपना कमेंट कमेंट सेक्शन में मैंशन करिए हमें फॉलो करिए एंड हमें कॉन्टैक्ट करिए थैंक यू